इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लुइस, उपाध्यक्ष श्री डी के जैन दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन दाऊ मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन मालपीथा, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन बड़माड़ई, उपमंत्री श्री स्वरूप जैन बाजना, उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन पिक्कन, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन पठा, पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेन्द्र जैन ककड़ारी, महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन इलेक्ट्रिकल्स, मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक बाबा नायक, कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन वर्धमान। नमो अरिहन्तानम् नमो सिद्धानम् नमो आयरियानम् नमो वज्जायानम् नमो सावसाहूनम् पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुदास सागर जी महाराज की, सुलक्ष एकपात गंभीर सागर जी महाराज की, सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पुरुषरी को नमोस्तु करें। परिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज जी, लोप कसाई किसे कहते हैं? दूसरे की वस्तु को चाहने की इच्छा रखना लोभ कसाय कहलाता है। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, क्या विग्रह गति में जीव दूसरे जीवों को देखना सुनना आदि उन्हें समझ सकता है? नहीं समझ सकता। अतुल जैन पंडवा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 35 अक्षर प्रमाण अनादि निधन नमोकार महामंत्र है, इसे 3 श्वासों में जपना चाहिए, ऐसा आपने बताया। मुनि श्री, क्या इसी श्वासों श्वास का समय अंतराल में हमें नमोकार मंत्र का जाप भी देना चाहिए? अच्छा, यदि श्वासोश्वास से देते तो इससे अच्छा जाप क्या होगा। 3 श्वासोश्वास में एक बार का नमोकार मंत्र हो जाता है। प्रथम में नमो अरिहंताणम लेना, छोड़ना नमो सिद्धाणम लेना, नमो आयरियाणम छोड़ना, नमो वज्जायाणम लेना, नमो लोहे छोड़ना में शब शाहूणम, ये होता है। ये तो हुआ जाप। चूंकि नमोकार मंत्र एक आर्य छंद है, तो अभी जो हम मंगलाचरण करते हैं उस नमोकार मंत्र को आर्य छंद के रूप में पढ़ते हैं, इसलिए। इंजीनियर सी के जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, शुक्ल ध्यान में क्या विशेषता होती है? शुक्ल ध्यान कर्मों के क्षय के लिए किया जाता है, इसलिए उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। वह कर्मों के बंध में कारण नहीं है। जो आत्मा में कलुषता है कर्म रूपी मल को जो धोता है, इसलिए उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। आत्मा को राग द्वेष और कर्म और भाव कर्मों से रहित करता है, निर्मल करता है, इसलिए शुक्ल ध्यान कहते हैं। नीलम जैन राजस्थान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि एक वेद प्रतिमा लेने वाला व्यक्ति नित्य देव दर्शन करके ही भोजन करें, यही एक वेद प्रतिमा का नियम है, इसमें सामायिक व सोले का भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या सही है?
देखो शोले का और शुद्ध भोजन का तो जैन श्रावक को शुद्ध शोला करना ही चाहिए, आवश्यक क्या है। अविरस सम्यक दृष्टि को भी शुद्ध शोला का ही खाना चाहिए। शुद्ध खाने का अर्थ ही यही है, हमारे यहाँ बाह्य शुद्धि होती है, ऐसी बात निषेध नहीं है। अब यह है कि सब अशुद्ध खाने लगे तो शोला अलग से दिखने लगा, बाकी सब पहले शुद्ध ही खाते थे, शुद्ध ही खाना चाहिए। यशवंत सिंह ललितपुर से, जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी महापुरुष ने लिखा है चिंता को अपने सत्वों की सूची में पहले स्थान पर रखो। मुनिश्री इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है, कृपया चिंता की होली जलाने के उपाय समझाने की कृपा करें। चिंता ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए है, ऐसा कहते हैं। तो चिंता सबसे ज्यादा तो दिक्कत तो करती है, क्योंकि चिंता जब होती है ना तो व्यक्ति के मन में कुछ भी चीज कुछ भी कार्य नहीं करने देता, इसलिए चिंता को शत्रु मानने में कोई बाधा नहीं है, है ही। मुकेश जैन पाली ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी और ने जानना चाहा है कि शुद्ध 13वें पंथ में शांति धारा प्रथमा जी पर नहीं की जाती, क्योंकि बीतराग प्रथमा जी तो निष्काम आराधना का पाठ पढ़ाती है और शांति धारा तो कामनाओं से भरी होती है, क्या यह उनकी बात सही है? पहली बार तो शुद्ध 13वां पंथ होता ही नहीं, शुद्ध शब्द तो अभी लगाने में पड़े, पंथ ना शुद्ध होता है ना अशुद्ध होता है, पंथ तो 13वां पंथ का प्रभु 13वां पंथ है, आपका पंथ है वही मेरा पंथ है, ये सब कपोल कल्पित हैं बातें। 16वीं शताब्दी में एक गुमानी लाल हुए हैं टोडल मल जी के समय पे, उसके बाद में उन्होंने ये प्रथा चलाई थी कि मूर्ति पर शांति धारा नहीं करना। इन मूर्खों को अज्ञानियों को ये मालूम नहीं है कि शांति धारा अभिषेक का जो उल्लेख है ये पूज्यवर यतिवसव आचार्य महाराज ने मस्तिष्क पर अभिषेक करने को कहा, और सबसे बड़ी चीज है जो स्वधर्मेंद्र आदि सारे देवता अवधज्ञानी हैं, छायक सम्यक दृष्टि हैं, वे प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं, तो उनको विचार करना चाहिए, ये सब नई बातें अपने आप में अक्रियावादी लोग कहलाते हैं, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। अपनी जो आर्ष परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और होता आया है, इस पर संदेह मत करो। ये जो बीच में जो होते हैं ना, इनके ये सब वैसे होते हैं ना, जो बीच में हो जाते हैं कुछ ऐसे बातें आ जाती हैं, तो ये बरसाती मेंढक हैं, बरसाती मेंढक मौसम देखकर टुर टुर करने, और जैसे मौसम खत्म हुआ तो अपन तो सदा बहार हैं। कुंद कुंद की मूल परंपरा को अपन को स्वीकार करना है। स्वर्गों के देवता अवधज्ञान छायक सम्यक दृष्टि भगवान का मस्तक से अभिषेक करता है, महामस्तकाभिषेक। और ये परंपरा आज की है कि शुरू से चली आई, तो फिर ये बीच में कहाँ से आ गई, ये सब इनकी सब बातों पर विश्वास मत करो। ये सब चर्चाएं जो हैं व्यर्थ की हैं, अपनी जो आर्ष परंपरा है उसी परंपरा पर चलो, ऐसा। राजीव जैन हमारे पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, गुरु जी क्या पंचमुट्ठी केसलुंच तीर्थंकर ही करते हैं कि इनके अलावा अन्य महापुरुष भी कर सकते हैं? पांच मुष्टी का अर्थ क्या, पांच बार कर, पांच मुष्टी का अर्थ पांच उंगलियों से बनी हुई मुट्ठी से केसलुंच करते हैं, इसका अर्थ है। ये देखो पांचों से, ये पंचमुष्टी। अब लोग क्या कहते हैं, पांच, एक आगे पकड़ खींचो, अब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अब तुम लोग खींच के बताओ, थोड़ा खींच जाए तो। पांच मुष्टि का अर्थ होता है पांच उंगलियों से बंधी हुई मुट्ठी, है ना, ये हाथों से जो किया जाता है केसलुंच, ऐसा, यानी पांचों उंगलियों का सहारा ले रहे हैं समय,
देखो हम दो उंगलियों से भी खींचेंगे तो इनका जोर पड़ेगा कि नहीं, तो पांचों उंगलियों की बंधी हुई जो मुट्ठी से या मुट्ठी आने बांध कर, पांचों उंगलियों को बांध कर जो केश लॉन्च किए जाते हैं उसको पंच मुष्टि केश लॉन्च कहते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात अब यहाँ उपस्थित भक्तों की जिज्ञासाएं होंगी। जिज्ञासा समाधान को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी और सुधा कलश के ऐप के माध्यम से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनि पुंगवसी सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारम्बार नमोस्तु 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 क्षुल्लक सिंह गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। लोग कहते हैं कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज अपना स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, ये आज पूरे टीकमगढ़ वालों ने देख भी लिया है। एक इतिहास रचा था जब पूज्य गुरुदेव का टीकमगढ़ में पदार्पण हुआ था, तब लोग कह रहे थे आज तक की सबसे ऐतिहासिक आगवानी है, सबसे ज्यादा पब्लिक इसमें थी। लेकिन जब आज महाराज जी के सानिध्य में महाराज श्री के प्रेरणा से टीकमगढ़ में आदिनाथ जयंती की तीर्थंकर दिवस की शोभा यात्रा निकली, तब पूरे विश्व ने कहा कि ऐसी शोभा यात्रा का आज तक देश में कहीं नहीं हुई। जिनवाणी चैनल के माध्यम से जब लोग झलकियां देख रहे थे तो देख रहे थे 15,000 से 20,000 की पब्लिक, और आप देखिए दोनों तरफ गजराज थे, आगे भी महाराज श्री के आगे गजराज चल रहे थे, हाथी चल रहे थे, पीछे भी गजराज चल रहे थे और बीच में हमारे आराध मुनिराज चल रहे थे। और ये तो पूरा विश्व सब जान चुका है, यदि इतिहास रचे जाते हैं, किसी समाज को इतिहास रचना हो, कोई बड़ा काम अपने जीवन में करना हो तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज का सानिध्य ले और बड़ा काम वो कर सकते हैं। अब तक की कहा जाए कि सबसे अच्छी आदिनाथ जयंती विश्व में कहीं मनी है, तो जो झलकियां और जो मैसेज पूरे देश से आए हैं तो सबने यही कहा है कि आज तक के इतिहास की सबसे अच्छी आदिनाथ जयंती टीकमगढ़ में पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में हुई है। जो लोग नहीं देख पाए, दर्शक नहीं बन पाए, तो जिनवाणी चैनल पर 2 बजे से 5 बजे तक इसका प्रसारण आया था, आप यूट्यूब पर जाके जरूर देखिएगा और साक्षी बनिएगा ऐतिहासिक इसकी झलकियां देख करके। महाराज श्री आज अन्य समाज की बहुत सारे लोगों ने स्वागत किया, जगह जगह पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और हर कोई ये कह रहा था भीड़ का एक जैन समाज टीकमगढ़ में इतनी कहां से आ गई भीड़ देख करके। तब लोगों ने कहा ये सभी आदिनाथ के वंशज और पूज्य सुधा सागर जी महाराज के भक्तों की भीड़ है। एक इतिहास आज टीकमगढ़ वालों ने रचा है और अब टीकमगढ़ वालों ने समझ लिया है कि महाराज जी आदिनाथ जयंती इतनी अच्छी मनाई है तो अब आपके सानिध्य में महावीर जयंती होगी तो क्या होगा, पूरा बुंदेलखंड लगता है यही उमड़ करके आ जाएगा। अब जिज्ञासाओं के क्रम में सर्वप्रथम जिज्ञासा रखें श्री संतोष जी जैन खिरिया, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री सृष्टि जी बड़कुल टीकमगढ़, माइक ले लें और सीधे जो भी आज जिज्ञासा करेंगे चाहे कोई मंडल हो कुछ हो, एक बार आपको नमोस्तु करके और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखनी है जी। परम पूज्य मुनि पुंगवसी तीर्थ चक्रवर्ती 180 सुधा सागर जी महाराज के चरण बार नमोस्तु 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 क्षुल्लक सिंह गंभीर सागर जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री जिस प्रकार आपकी कृपा से सिरोंजी क्षेत्र पर परिवर्तन कर क्षेत्र को हेतलरवादी प्रवृत्ति से मुक्त कराकर क्षेत्र का विकास कराकर समाज में सिरोन क्षेत्र को आपने जो विकास कराया उसकी बोले सिरोंजी क्षेत्र को सील उदय सिरोंजी सिरोंज सिरोंज महाराज सिरोंज सतोदय 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 हाँ। तो जागरूकता पैदा की गई है जिसका प्रभाव समस्त क्षेत्र एवं समाज पर हुआ है। इसी प्रकार टीकाउन में भी जैन समाज के बड़े स्कूल एवं मंदिर हैं जो कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उन्हें समाज के द्वारा कैसे संचालित किया जा सके कृपया समाधान करें। देखो साधु कानून में नहीं होता, साधु श्रद्धा में होता है। जब पूरे लोग एकमत होकर के साधु के सामने ऐसा समर्पण कर देते हैं जैसे डॉक्टर के सामने ऑपरेशन थिएटर में मरीज को समर्पित कर देते हैं तो फिर मैं काम फिर उस चीज को लेता हूं। तो
तुम कहो कि मैं महाराज जी पहले आप बताओ, आप हमें पैसा इकट्ठा करा दो और आप पधारो। समर्पण चाहिए। समर्पण ऐसे छोड़ दो कि महाराज जी कहें कि मैंने जब मैं बहुत थोड़ा सा शुरू में बहुत टाइट बोलता हूँ, मैंने कहा कि भाई देखो मझार मंदिर वालों, अभी तुम जिन साधुओं के उसमें पड़े हो मेरे में मत पड़ो, मेरा थोड़ा कार। यदि मैंने कह दिया कि ये मंदिर मैं तो उठा के ले जाऊंगा और तुम सबको टीकमगढ़ छोड़ना पड़ेगा तो क्या मंजूर हो? छोड़ने का भी आओ तो हमकी हमने ये नशे में मत बोलना कहीं साँची साँची साँची। समर्पण करो, अपनी बात मत मनवाओ साधु से, साधु की बात मानो, विश्वास रखो। लोग ये समझते हैं कि हमारा हमें तो काम हो ही जाएगा, हमें तो ऐसा हो ही जाएगा, ऐसी सब बातें नहीं। निश्चल भाव से समर्पण करो तो फिर मैं उस कार्य को करता हूँ और बाकी हम इन संसार के दुनिया भर के विवाद के विषय हों, अपनी मन की जो करवाना चाहें उन संबंध में हम नहीं पढ़ते हैं। पहले आप लोग अपनी सर्वसम्मति से, ये एक दिन नहीं आए, चार बार आए, चार मीटिंग हुई इनकी, मैंने सर्वसम्मति कर लो। एक आध का विरोध हो तो अपन को नहीं पड़ी। सर्वसम्मति जहाँ होती है वहाँ चाहे यशोदय हो, चाहे सतोदय हो, चाहे देवोदय हो, उन्होंने समर्पण किया, हमने उनके काम को उनकी ऊंचाइयां दे दी और कर दी। ऐसा और निश्चित रूप से पूज गुरुदेव, कई लोग कहते हैं कि सुधा सागर जी ऐसा क्या मांगते हैं जिससे वो हमारे क्षेत्र पर हमारे नगर में आ जाएंगे, तो आज महाराज श्री ने कह दिया एक ही चीज चाहिए, समर्पण, बाकी तो आपके क्षेत्र का विकास पर निश्चित है। जिज्ञासा रखें श्रेष्ठी जी एन बड़कुल। उस उद्देश्य से हमारे पास में महाराज जी आ जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, महाराज जी आ जाएंगे तो मंदिर बन जाएगा, महाराज जी आ जाएंगे तो विद्यालय चल जाएगा, महाराज जी आ जाएंगे तो वो हो जाएगा, ये आ जाएंगे, ऐसा मान के मेरे पास मत आना, बहुत धोखे में पड़ जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, खर्चा पानी और लग जाएगा। इस हिसाब से करो, ऐसे हिसाब से नहीं आना। हमारे शास्त्रों में एक ऐसा आता है कि एक महाराज के आहार हुए तो उनके यहाँ रत्न वृष्टि हो गई। दूसरे ने चौकी में देखा, और ये तो बड़े सस्ते महाराज हैं, लेते तो कुछ नहीं रत्न, दूसरे दिन उसने चौका लगा लिया। अब चौका लगाते ही क्या हुआ, वही महाराज पड़गाए गए उसके। अब यहाँ एक ग्रास देवे और आंगन में देखे बरसे के नहीं बरसे, तो वहां तो पानी की बूंद ही नहीं बरसी। और ऐसे में करते करते गर्म खीर और दे दी उसको महाराज की अंजलि में, तो महाराज बैठ गए। अरे महाराज जी थोड़े और खड़े रहते शायद वो कुबेर आने वाला होता। अब देखो महाराज वही हैं, एक ने महाराज को पड़गाया तो रत्न वृष्टि हुई, एक ने रत्नों के लिए महाराज को पड़गाया तो पानी की बूंद भी नहीं गिरी। इसलिए तुम यदि ये मान के तुम कहो कि महाराज जी आ जाएंगे तो काम हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। व्यर्थ में खर्चा पानी मत करना, क्योंकि हम आते तो खर्चा पानी बहुत होता है, क्योंकि हम आते तो बारात भी आती है, भक्त भी आते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं। इसलिए मेरा स्पष्ट कहना है, जो व्यक्ति मुझसे कुछ चाहेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जो मुझे चाहेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा। जय हो। भगवान से मत चाहो, भगवान को चाहो, गुरु से मत चाहो, गुरु को चाहो, तो सब कुछ मिल जाएगा। हम आजकल देखने लगे ये मुझे चाह रहा है कि मुझसे चाह रहा है। हाँ आजकल बहुत सारे लोग आने लगे, ऐसे लोग भी आने लगे जो पीठ पूछे, जो बड़ी बुराई करते थे, दुश्मन थे, लेकिन अब उन्हें पता लगा अरे भैया महाराज जी बड़ो काम को है, पाया आते हैं पाया। देखो तो इसलिए मैंने उनको सावधान किया, कहीं गलत नंबर डायल मत करना, समर्पण के बाद आओगे, बस तुम एक ही बात चाहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे महाराज चाहिए, तो सब कुछ हो जाएगा। जिज्ञासा करें सृष्टि जी बड़कुल। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री नितिन जी जैन कारी।
महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ मत चाहो, पूज्य सुधा सागर जी को अपन चाह लो, सब कुछ अपना काम हो जाएगा समर्पण भाव से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जैसे राजा मधु ने हाथी पर बैठकर केस लॉन्च किए थे, तो उन्हें दीक्षा संस्कार कैसे मिले और उन्हें पिचिका मंडल कैसे प्राप्त हुए? वो स्वयंभू होते हैं, उन्हें संस्कार लेने की जरूरत नहीं होती, वे स्वयं संस्कारित होते हैं। और वो जो अपने आप में ध्यान करके समस्त प्रकार की अशुद्धि को त्याग कर दे, उनके गुरु कोई नहीं होते, वे स्वयं गुरु होते हैं। जिज्ञासा करें नितिन जी जैन कारी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे, जैनागम पाठशाला माझ मंदिर के सभी एक जिज्ञासा रखेंगे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जीव आदि सात तत्वों में विपरीत सिद्धांत क्या है और इनको कैसे दूर किया जा सकता है? जीवादी सात तत्वों का विपरीत सिद्धांत क्या है, इसको कैसे दूर करें? विपरीत सिद्धांत का तुम लोगों के लिए सबसे पहले सच्चे देव साध गुरु की पहचान होना। सच्चा देव साध गुरु यदि मिल गया तो फिर विपरीत सिद्धांत नहीं करना। सच्चा देव साध गुरु ही तत्व है। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने तत्व की परिभाषा कही, सच्चे देव साध गुरु को मिल जाना ही तत्व है, वो जो कहे वही तत्व है। इसलिए सिद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मिन। सच्चे देव साध गुरु को जिसको मिल गया, उपलब्ध हो गया, समझ लेना उसका तत्व भी सम्यक हो गया। विपरीत से बचने का यही उपाय है। जिज्ञासा करें जैनागम पाठशाला माझ मंदिर की सभी सदस्याएं, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री अजित कुमार जी जैन चिराग इलेक्ट्रिकल्स। महाराज श्री के चरणों में हमारे पाठशाला ग्रुप की तरफ से एवं उनके परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नम। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी हम लोगों की जिज्ञासा है कि महाराज जी दिगंबर मुनि जितने भी होते हैं उनके ऊपर उपसर्ग अपनों के द्वारा ही क्यों होगा? जैसे सुखमाल मुनि को ससुर ने उपसर्ग किया, और जैसे सुखमाल मुनि दिगंबर मुनियों पर अपनों ही के द्वारा उपसर्ग क्यों हुआ? दूसरे तो करें। अरे भाई घर का वेदी लंका ढाए है, पराया हमेशा दूसरा। वो कहते हैं ना कि अपने व्यक्ति जितने सगे होते हैं उन्हीं से तो दगा होता है। भाई जैसा मीत नहीं और भाई जैसा बैरी नहीं, क्योंकि जो निकटवर्ती होते हैं वही तो जलेंगे, उन्हीं को तो ईर्ष्या होगी, वही तो आप कॉम्पिटिशन करेंगे, उन्हीं के मन में तो क्रेज भाव आएगा, पड़ोसी को क्या लेना देना है। तो जितने भी हैं, राग जब देश में बदल जाता है तो वो बैरी जन्म जन्मांतरों तक जाता है। इसलिए निकटता होने से कहते ना, अधिक निकटता होने में ही तो परेशानी है, और जो निकटवर्ती है उसी को तो ईर्ष्या होगी, जलन होगी। जितने तुम लोगों में भाई भाई में झगड़े होते उतने पड़ोसियों से नहीं होते, क्योंकि विवाद होता है सब, इसलिए क्योंकि बाजू वाले से ही तो कंपटीशन करोगे आप, दूसरे वाले से क्या कंपटीशन करोगे। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जितने लोग अपने लोग हैं उन्हीं लोगों से हमेशा घर टूटा है, घर में लगा दी आग घर के चिरागों ने। घर टूटता है घर से, सब में यही है। चाहे तुम्हारा महाराज उपसर्ग की बात हो तो उपसर्ग अपने लोगों ने तो किए हैं, सब अपने लोग करते। संग टूटते हैं तो संग में ही कोई टूटता है, संग में ही कोई हो जाता है। और परिवार टूटते हैं तुम्हारे तो परिवार से टूटता है। और फिर आप लोग तो नम बोलते हैं, सबसे ज्यादा घरों को जहां, और आप महिलाएं जैसा जहां पहुंच जाती हैं वो तो तोड़ते ही हैं। अपने बन के ही तो तोड़ोगे, पराए क्या तोड़ोगे। तो ये तो आप लोगों को सबको सोचना चाहिए। देखो मैंने तो अक्सर का देखा है तुम्हारे घरों में भी टूटता है, तो तुम लोगों में जब से भाई भाई में कम झगड़ा होता है आप लोगों में ज्यादा हो जाते हैं।
अपने लोगों में टूटना नहीं चाहिए। अपना बनाया है तो तोड़ने के लिए नहीं बनाना। जब भी कोई टूटते हैं तो ऐसे टूटने की परंपराएं हैं, और कई बार टूटने में कारण बनते हैं जर जोरू और जमीन, ये तीन कारण बन जाते हैं। जहां पर स्त्रियां आगे आ जाती हैं वे घर टूट जाते हैं। संघों में भी यदि आरिकाओं की वो ब्रह्मचारियों की चलने लग जाए तो वे संघ भी टूट जाते हैं। अक्सर कर संघ टूटते हैं। बौद्ध ने कहा था कि जब बौद्ध के यहाँ भिक्षुणी बनाना शुरू किया उनके शिष्यों ने, तो बौद्ध ने कहा था कि अभी तक ये संघ हजारों वर्ष तक चलेगा, और अब संघ में जाकर के स्त्रियों का प्रवेश हो गया तो बौद्ध धर्म भारत से 500 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। ये बौद्ध का कर्म था, और वो इस प्रकार का उनमें तुम लोगों में गुण होता है कि पुरुषों के भी दिमाग बदल देते हो। ये बहुत गॉड गिफ्ट है इनके पास। महिलाएं पीछे पड़ जाए तो पुरुषों के दिमाग बदल ही देती है, पता नहीं क्या गॉड गिफ्ट लेके आते। संघों में आरिकाओं की ब्रह्मचारियों की चल जाए तो साधुओं के भी दिमाग बदल देती है। चाहे भले वो आरिका बन जाए लेकिन दिमाग बदलने में माहिर होती है। और संघ में कोई भी, तुम्हारे घरों में भी कोई बन जाए तो ये सब कारण है, यही विनाश का कारण है। अंत में पछताना पड़ता है जब परिवार टूटता है, संघ टूटता है, और फिर जब उपसर्ग होते हैं तब बाद में हर व्यक्ति उपसर्ग करने वाले को, उपसर्ग जिस पे किया जाता है वो तो जैसे तैसे समता भाव करके अपना बेड़ा पार, लेकिन जो उपसर्ग करता है उसकी जो दुर्दशा होती है, आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में कहा उपसर्ग जिस पे किया जाए उसको तो अच्छा है, उपसर्ग तो निर्जरा होती है, सहिष्णुता की परीक्षा होती है, वह साधु में निखार आता है। नाश तो उपसर्ग करने वाले का होता है। करने वाले का क्या ऐसा नाश होता है कि भव भवांतर तक भी उसके कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलता। इसलिए उपसर्ग जिन पर किए जाए उसका कोई विकल्प मत करो। जो उपसर्ग कर रहा है वो दया का पात्र है। जब वो भोगेगा साधुओं को अशांत करना, उनको क्लेश कराना, संघों में फूट डाल देना, साधु पर उपसर्ग करना, ये सब दुर्गति के कारण होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें अजित कुमार जी जैन चिराग इलेक्ट्रिकल्स। इसके बाद तैयार रहे पार्श्वनाथ महिला मंडल बाजार मंदिर। मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि बार नमस्कार। गंभीर सागर महाराज जी के चरणों में इच्छा में, हे मुनिराज, सूर्य के समान प्रकाश देने वाले हम टीकुड़ वासियों के लिए आज जो अंधेरे में थे हम लोगों को उजाला डाल दिया। हमारी जिज्ञासा है हे मुनिराज कि मैं 23 साल से दीप प्रज्वलन करके अपने घर में नवकार मंद की माला पढ़ रहा हूँ, तो इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता? कोई बात नहीं, मंगल के लिए शगुन के लिए रखो, और कोई और कारण मत रखो कि भाई ठीक है शगुन और शुभ के लिए रख लेते हो तो कोई बात है। जिज्ञासा करें पार्श्वनाथ महिला मंडल बाजार मंदिर की सदस्याएं अपनी एक जिज्ञासा रखें, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री रीतेश बुखारिया जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु पार्श्वनाथ बाजार जैन मंडल की सभी महिलाओं का नमोस्तु 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 महाराज जी को इच्छामी 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 महाराज श्री। जैसे महाराज श्री, जैसे जो चक्रवर्ती भरत थे ना, भरत ने दिग्विजय यात्रा के लिए गए थे, तब उन्होंने तो आदिनाथ भगवान की मतलब पूजा की थी, वो कल्पद्रुम महामंडल विधान किया था। और जैसे शांतिनाथ कुंतनाथ रायनाथ भगवान थे तो वो भी चक्रवर्ती थे, तो उनने किन की पूजा की होगी जब दिग्विजय यात्रा के लिए गए? वो स्वयंभू थे, स्वयंभू को किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं रहती। भरत चक्रवर्ती स्वयंभू नहीं थे इससे उन्होंने पूजा की, और शांतिनाथ तो स्वयंभू थे, उनको कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वो खुद कर सकते। जिज्ञासा करें रीतेश जी बुखारिया। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती रजनी जी जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु, और गंभीर सागर महाराज के चरणों में क्षमा। महाराज श्री, ये जिज्ञासा मेरी नहीं,
जो बांसी पंचकल नाटक में मरुदेवी माँ बनी थी उनकी जिज्ञासा है। माता जी सॉरी महाराज जी, उनने ये पूछा है कि हम कैसे ऋषभनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाएं? अपने जन्म कल्याणक मनाना है तो जैसे जन्म कल्याणक नहीं है, जन्म दिवस है। जन्म कल्याणक अलग चीज है। जन्म कल्याण साक्षात मनाया जाता है और जन्म दिवस स्मृति में मनाया जाता है। तो पंच कल्याणक में जो कल्याणक था वो जन्म दिवस नहीं था, नहीं वो जन्म दिवस नहीं था, वो जन्म कल्याणक नहीं तो अभी कैसे मनाया? बता रहा बता रहा हूँ, तो वो जन्म कल्याणक था। अभी जो है अपन को जन्म दिवस मनाना है, तो जन्म दिवस जैसे श्रावक के रूप में मनाते हैं, पूजा पाठ करके अभिषेक करके खुशी मना के, जो अभी हमने दो दिन से प्रोशनों में बोल रहा हूँ उसी ढंग से मनाए। जन्म कल्याणक का रूप नहीं दिया जा सकता अभी, क्योंकि ये जन्म दिवस है, स्मृति है, ये झांकी है और वो तो यथार्थ था। वो झांकी नहीं थी, वो तो सही में था, ये तो उसकी स्मृति है, झांकी एक प्रकार का, ऐसा मानना चाहिए। तो जैसे सामान श्रावक मना रहे हैं वैसे ही मनाना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती रजनी जी जैन टीकमगढ़, और उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें बंटी जी बजाज, राजीव जी ठगन, एक जिज्ञासा रखेंगे। मेरे आराध्य गुरुवर को कोटिशा नमोस्तु। क्योंकि उस समय तो पंचकल्याणक में वो साक्षात मरुदेवी होती है। अभी अब मरुदेवी नहीं है, अभी तो मोहन मावा के उनके घर के है, अब गोत्र हो गया मोहन मावा और मावा। और उस समय क्या था, इक्ष्वाकु वंश मरुदेवी थी, उस समय तो साक्षात रूप था। जिज्ञासा कर। मेरे आराध गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, गुरुवर के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुवर, भजन की दो लाइनों से, इस जन्म में ना सही पर वह में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, इस भजन के अर्थ जानने की कृपा करती हूँ। सीधा सा अर्थ वो पंक्ति में है, जैसा जैसा कर्म करते हैं, अभी नहीं मिला लोग कहें देखो मैंने इतना पाप किया क्या कर मिला, कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला तो अगले बार मिलेगा, मिलेगा तो सही, अपराध करने पर उसका दंड तो कहीं ना कहीं लेना ही पड़ता है, ये कहने का अभिप्राय। जिज्ञासा करें बंटी जी बजाज, राजीव जी ठगन, और इसके बाद श्री सुधा सागर महासमिता से संगीता अनुज जी जैन। मेरे आराध्य गुरुवर मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि। हे गुरुवर, आपने सत्य की बात कही और सत्य से ऊपर उठने की भी बात कही थी, हृदयगम्य की थी, लेकिन सत्य के बारे में एक और चीज आ रही है बीच में, कि जो धर्म आय धर्म क्षेत्रों पर धर्म आत्माओं पर जो सत्य का मुखौटा लगाकर और धर्म का चोला पहनकर जो सेवा करते हैं, एक अधिकार मानते हैं अपना, वो सत्य के कितने करीब हैं? हे गुरुवर, जिज्ञा का समाधान कर। तुमने खुद कह दिया मुखौटा है, वो सत्य है ही नहीं, वो सत्य है ही नहीं, क्योंकि उनके स्वार्थ हैं। ऐसे लोग जब तक पदों पर रहते हैं तभी तक रहते हैं, पद से हटा दो तो वो ढूंढे से नहीं मिलते, खोजने से नहीं मिलते। उनको ना महाराज से मतलब है ना भगवान से मतलब है, उनको तो अपने पदों से मतलब है। पद है तो आगे आ जाएंगे और नहीं है तो इन लोगों से कुछ, इन लोगों का कोई अच्छे फल नहीं होते। इनके उपसंहार, जितने ये लोग मंदिरों में हमेशा कब्जा करके बैठते हैं तीर्थ क्षेत्रों पर, इनकी मृत्यु अच्छी नहीं होती, इनकी मौत अच्छी नहीं होती, और धीरे धीरे इनके वंशों में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव शुरू हो जाता है। यही है उनका, वो सत्य है ही नहीं, करीब तो बात दूर रही। जिज्ञासा करें श्री सुधा सागर महासमिति से संगीता जी, अपनी जिज्ञासा रखें, इसके बाद तैयार रहें सुनील जैन बीवा भैया। गुरुवर, आंखों से तो कम है देखा, देखा है श्रद्धान से, वाणी से तो नहीं पुकारा, तुम्हें पुकारा ध्यान से, एक अलौकिक बात निराली, कहती हूँ अपने ज्ञान से, मुझको तो गुरुवर लगते हैं इस युग के भगवान से। हे गुरुवर, पहले जब हम लोग
टीकमगढ़ से बाहर जाते थे और लोग पूछते थे कि कहाँ से आए, तो हम बताते थे टीकमगढ़ से, तो वो बोलते थे वही टीकमगढ़ जहाँ एक प्रतिभा स्थली भी नहीं खुलवा सके। पर अब हम जब टीकमगढ़ से बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कहाँ से आए, तो हम लोग बोलते हैं टीकमगढ़ से, पर वो कहते हैं कि वो ही महुआ वाला देश जहाँ लोग इतने दानवीर हैं। तो गुरुवर हम ये पूछना चाहते हैं कि पहले लोग ऐसा कहते थे तो हमारा कौन सा पाप कर्म का होता था? पहचान, देखो पहचान अपन बिगाड़ भी सकते हैं और पहचान बना भी सकते हैं। और अब कौन सा कर्म उदय है जो इतने लोग तारीफ करते हैं? कर्मों का उदय नहीं है, अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है, अभी कहा था ना। नमोस्तु गुरुदेव। तो समय वैसी करनी थी, अब ऐसी करनी है। तो और एक सबसे बड़ी चीज पड़ती है निर्देशक की, गाइड करने वाला। गाइड करने वाले जो बीच में बिचौलिया आ जाते हैं, हम क्या है कि दलालों को बीच में नहीं आने देते। मैं डायरेक्ट करता हूं, ये जो बीच में दलाल होते जो कमरे में आके कान में से कहते, वो मैं कहता हूं जब कान में कोई सुना दे भैया मैंने सुना ही नहीं पड़ता। बस ये दलाल बीच में आते, दलालों के कारण से सब काम बिगड़ता है। साधु के बीच में यदि साधु स्वयं अपने हृदय से निर्णय ले तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन साधु को भी भरने वाले जो बीच में दलाल होते ना, और कभी कभी क्या है, और कोई कच्चे कान वाला पड़ गया साधु तो टीकमगढ़ का मटिया मेले, और मेरे कान में कच्चा पक्का कोई आयत नहीं, मेरे सुनते ही नहीं। दलाल बीच में आ जाते, बीच में आकर के वो सब बिगाड़ देते। जितना मैंने सुना था कि टीकमगढ़ इतना खराब है, इतना खराब है, कोई नहीं खराब है, ना पपोरा खराब है, ना आरजी खराब है, ना टीकमगढ़ का, मुझे तो संसार में कोई खराब लगते ही नहीं है। बस ये बिचौलिया बीच में से तो सब अच्छा है। साधु से सीधी बात करो ना, क्या बात हो गई, और साधु सीधी बात सुने, बिचौलिया की सुनने की जरूरत क्या, वो तुम्हारा गुरु है, तुम उसके भक्त हो, तो क्यों बीच में लाते हो। तो यही सब होने के कारण से कुछ बीच में लोग आ जाते हैं, वे ऐसा बिगाड़ देते हैं कि बिगड़ती बात बिगड़ तो जाती है लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा अब क्या कहें, ठीक है। नमस्ते गुरुदेव। अब जिज्ञासा करें श्री सुनील जैन बीवा भैया, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें नित्या जैन बड़ावरा। मुनिराज के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे महाराज जी, मेरा ये दो बातें और ध्यान रखना इस संबंध में। कभी भी हो अपने घर के मामलों में कभी बाहर वाले को बीच में मत आने देना, चाहे तुम दोनों भाई कमरे में बंद होकर मुक्का मुक्की कर लेना, लेकिन बाहर वाले को कभी बीच में मत आने देना। समाज में भी, क्षेत्रों पर भी, बाहर वालों को बीच में मत आने देना। जो निर्णय करना समाज वाले करते। अयोध्या मंदिर यदि अयोध्या वालों को सौंप दिया जाता तो अभी तक बन जाता, लेकिन दिक्कत किस लिए हुई इतने सालों तक। तो ये जो बाहर वाले बीच में आते हैं वो समझते तो है नहीं, उनको सहानुभूति भी नहीं होती, उनको आत्मीयता भी नहीं होती, और वे आकर समाज को भरते हैं, दो पक्ष बना देते हैं, ये कर देते हैं, हंगामा करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। घर के कार्यों में स्ट्राइक, अरे समाज स्ट्राइक करेंगे और फिर पुलिस केस चलेंगे, थाने जाएंगे। समझ लेना, घर के और समाज के कार्यों में यदि कोई थाने जाने की धमकी देवे, समझ लेना वही विनाश का कारण है तुम्हारे। अपनी बातें अपने बैठ के निकलो, क्या करेगा कोर्ट, क्या करेगा थाना, ऐसा। और बहुत बड़ा संदेश महाराज जी ने आज पूरे विश्व की समाज को दिया है कि समाज के कोई भी मैटर हो हम आपस में बैठ के निपटा लें, बाहर वाला आएगा तो बिगाड़,
कर देगा। अभी आप पूछ रही थी हमारे टीकमगढ़ का कौन सा ऐसा पुण्योदय आ गया, अब पूरा देश तारीफ कर रहा है। पुण्योदय नहीं आ गया जो किसी तीसरे वाले को बीच में नहीं आने देते, ऐसे पूज्य सुधा सागर जी महाराज आ गए हैं। यहाँ गड़बड़ नहीं चलती इन महाराज के पास, यहाँ पकड़ में आ जाता कौन व्यक्ति। अच्छा अच्छा बताओ, अभी एक महीने से टीकमगढ़ हमारे बीच में कौन दलाल है? कोई नहीं। बिचौलिया बता दो जिसका नाम हो, कोई ललितपुर वाला नहीं, आके तो दिखाए टीकमगढ़ का दलाल बन के, हम देखते हैं। अपन डायरेक्ट है जी, तुम डायरेक्ट, क्योंकि सब अपने लोग हैं, ये बहुत गलत हो जाता है। सब जगह में यही देखता हूँ और फिर परेशानी कारण बन जाता है ऐसा। सुनील जी जिज्ञासा रखें, इसके बाद नित्या जैन मणावरा तैयार है। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामि। हे महाराज जी, हमारा प्रश्न है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता पिता उसका मुंडन संस्कार करते हैं, तो महाराज जी अधिकतर देखा जाता है एक साल के अंदर किया जाता है या फिर तीसरे साल के अंदर? इसके महाराज जी मुंडन होना चाहिए या नहीं, या समय सीमा सही है? आगम के संबंध में इसमें कुछ लिखा नहीं है। मात पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने एक मौजी बंधन की चर्चा की है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया। मौजी बंधन के संबंध में परंपरा है लेकिन समय नहीं दिया उन्होंने, ऐसा माना जाए। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करें नित्या जैन मणावरा, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे पंचायती मंदिर के अध्यक्ष सुधीर जी। एक बार जबलपुर के अंदर एक ऐसे ही समाज के आया तो मैंने एक जैन अदालत बनाई थी, जैन अदालत, कि जितने जैन वकील थे अपने जैनी परिवारों के केस अदालतों में जाते हैं, वकील लोग कितने गलत आर्गुमेंट करते हैं, किस तरीके दलील करते हैं बाप बेटे को, पति पत्नी को। तो मैंने कहा था कि भाई जितने वकील हैं मंदिर में एक घंटे बैठ करके जैन अदालत निपटाएं, कि जैनी यहीं चर्चा कर लेना वकीलों, वही वकील तो अदालत में है, उन्हीं वकीलों को यहाँ बैठा ले देते। देखो पारसनाथ की विशेषता, जो व्यक्ति तुम्हें अदालत अपने समाज के कार्य, अपने गुरुओं के कार्य, अपने परिवार क्षेत्र कार्य कोर्ट अदालत में ले जाने की बात करे, समझ लेना सबसे बड़ा दुश्मन वो ही है। और वो दुश्मन किनके बीच में? कोई दूसरे जाति के लोग नहीं, अपने बीचों में भाई भाई के लिए अदालत जा रहा। पारसनाथ भगवान 10 भाव पहले वायुभूति अग्निभूति थे, उनके भाई ने कुछ गलत कर दिया, राज दरबार में वो फैसला पहुंचा, वायुभूति ने कहा राजा साहब ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में नहीं पड़े। बोले नहीं, इसने तेरे साथ अत्याचार किया है, तेरे साथ इसने गलत किया है, पूरा नगर कह रहा है और गवाह भी साक्षी हैं, इसलिए राज दरबार में मीटिंग होगी और दंडित किया जाएगा उसे। पारसनाथ ने खड़े होकर कहा वायुभूति ने, राजन पूरा गांव एक हो जाए, पूरा नगर एक हो जाए, पूरा देश कहे कि मेरे भाई ने गलती की है, तो भी मैं ये फैसला आप राज दरबार के लिए नहीं सौंपता हूं। राज दरबार, क्योंकि अब जब तक फरियादी खुद ही नहीं कह रहा है कि मैं अदालत FIR लिखाना पड़ेगी नहीं, तो पारसनाथ से कहा गया तुम FIR दर्ज कराओ के पाए हमारे भाई ने हमारे साथ अत्याचार किया है, गलत किया है। पारसनाथ का जी वायुभूति कहता राजन मैं तो नहीं लिखाऊंगा, FIR लिखाई जाती है दुश्मन की, ये तो हमारा भाई है और हमारा भाई का फैसला, ये हमारे घर का मामला है, हम मरे और जिए हम खुद फैसला करेंगे। और वायुभूति स्वयं उठ करके राज दरबार में उठ करके और अपने भाई के पास गया, भाई के पैर पकड़े, उसकी गलती नहीं थी वायुभूति की, सारी गलती उसकी कमट की थी, पैर पकड़े और उसने 12 मन की सिला पटक दी, 12 मन की सिला के नीचे दबके मर गया, लेकिन वायुभूति ने अपना फैसला कोर्ट कचहरी में लेके नहीं गया। ये कितना बड़ा संदेश है वायुभूति का, बहुत बड़ा संदेश था। तो ये जो धमकियां देते हैं क्या है, इतने गंदे लोग आजकल हो गए, थोड़ी सी बात होती कोर्ट, इसको अरेस्ट करा दो, इसको जेल भिजवा दो, इसको ये करा दो। ये जो नाटक चल रहा है ये देश का और समाज का, साधु संतों के संघों का सत्यानाश कर देंगे, इनके इन कीड़ों को निकाल दो, बाकी जिम्मेवारी।
और महाराज श्री आज एक ऐसा परिवार आगे आया जिन्हें जगत पूज की आहार चर्या का आज के दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने पंचायती मंदिर की सदस्यता 21 कलश में परम शिरोमणि संरक्षक बनकर के लिए श्री अनिल कुमार जी जैन, अरुण कुमार जी जैन, अंशुल जैन, मोना पार्षद जो हैं और मुनि सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं, अभी जैन, आयुष जैन, रश्मि, प्रतीक्षा, अवनी एवं समस्त पटवारी परिवार आ जाए, पूज गुरुदेव का आशीर्वाद ले, जिज्ञासा रखें नित्या जी। इसके बाद हाँ पूछे जगत पूज निर्यापक सेवा मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज गंभीर सागर महाराज जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे या बराबर हैं, जिस प्रकार लड़कियां चांद पर, माउंट एवरेस्ट आदि स्थानों पर पहुंच चुकी हैं, ऐसे ही कुछ लड़कियां एयरफोर्स, एयर पायलट, एयर कंट्रोल रूम, एविएशन इंजीनियर आदि स्थानों पर जाना चाहती हैं। इस तरह के कोर्स या जॉब करने में देवदर्शन जैसे कुछ क्रियाओं के पालन में असुविधा हो सकती है। अगर जैन बेटी धरती पर ही नहीं आसमान में भी जैन धर्म का नाम रोशन करना चाहती है तो क्या ऐसे क्षेत्रों में जैन लड़कियों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जैन धर्म का रोशन करे तो कहाँ ऐतराज है, लेकिन जैन धर्म का रोशन नहीं करे, वो अपने आप को रोशन कर रही है। उनमें कोई जैन शब्द का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कई लोग तो जैन लगाते भी नहीं हैं, उपनाम लगाते थे। आजकल जैनी बच्चे बच्चियों को जैन लगाने में भी ऐतराज होता है, वो सरनेम लगा देते हैं। और अपने इन सब चीज़ों के लिए एकांत नियम नहीं है, परिस्थितियाँ, व्यवस्थाएँ, अनुकूलताएँ देख करके हमारा धर्म, हमारे आचार विचार छूट करके यदि हमें पायलट तो क्या है, चंद्रमा पर भी जाना पड़ता है तो हम चंद्रमा पर नहीं जाएंगे, पृथ्वी पर चलेंगे, लेकिन आचार विचार नहीं छूटना चाहिए। आचार और विचार ये दो को कुठाराघात ना हो, बाकी दुनिया में कहीं भी जाए। महात्मा गांधी भी जब विदेश जाने लगे तो उनके माँ, महात्मा गांधी ने कहा देखो हम माँ विदेश होके आएंगे तो हम बैरिस्टर बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छी कमाई होगी, बहुत बढ़िया। तो माँ ने एक ही बात कही थी कि बेटा आचार और विचार बेच करके तू बैरिस्टर बन के भी आएगा तो यहाँ मूर्ख बना रहना ही ठीक है। तो उनको नियम दिलाए थे कि दो चीज़ों का तुम प्रयोग उपयोग करोगे, प्रयोग नहीं करोगे, शराब, मदरा और विदेशी किसी लड़की से प्रेम, ये तीन कार्य तुम नहीं करोगे तो फिर जाओ जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। तो यही बात है कि आचार और विचार ये दो हमारी कुल मर्यादा और हमारे धर्म की मर्यादा के अनुसार चलते हैं तो फिर कहीं जाने में ऐतराज नहीं। और आचार विचार नष्ट होता है तो घर के बाहर पैर रखने का भी निषेध है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें अध्यक्ष सुधीर जी बाजार, महामंत्री राजाधिकारी एक जिज्ञासा रखेंगे, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे स्मिता जी जैन। गुरुवर जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, जब से आप टीकमगढ़ में आए हैं, जब से आपके चरण टीकमगढ़ में पड़े, सब कुछ अद्भुत हो रहा है। पहले ऐतिहासिक पंचकल्याणक नंदीश्वर जी में हुआ, उसके पश्चात माज मंदिर में आपका आगमन हुआ और जो कुछ असंभव सा लग रहा था वो मात्र 2-3 दिन के अंदर संभव हुआ। और पूरे समाज की जो इच्छा थी कि एक विशाल मंदिर यहाँ पर निर्मित हो, क्योंकि ये टीकमगढ़ के मूल लायक हैं, तो उस भावना को भी आपकी कृपा से पूरा हुआ और पाषाण का मंदिर बनने के लिए आपने आशीर्वाद दिया, सारी समाज आगे आई। महाराज श्री, हमारी और उसके बाद आज जो आदिनाथ जयंती ऐतिहासिक टीकमगढ़ में मनाई गई, जिसको सारे देश के साथ साथ सारी दुनिया ने देखा अभूतपूर्व। आज तक हम लोग केवल महावीर जयंती तक ही सीमित थे, लेकिन आज पता चला कि भगवान आदिनाथ भगवान की महिमा क्या है। वास्तव में कई नवयुवक और कई बच्चे जो उस अछूते अध्याय से दूर थे वो आज जान गए। महाराज श्री, हमारी इच्छा है कि हमारी जिज्ञासा है कि आगामी महावीर जयंती क्या इससे भी अभूतपूर्व आपके सानिध्य में मनेगी और उसके बाद आपका चतुर्मास कैसा अभूतपूर्व होगा, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें महाराज जी। नमोस्तु।
अभी तुम्हारी ऐसी जिज्ञासा है कि हर व्यक्ति यही जिज्ञासा का समाधान चाहता है, और ये ना तो ये जिज्ञासा है और ना इसका समाधान है, ये तो जब जहां जैसा होना है वह अपने अपने पुण्य के ऊपर आधारित है, क्योंकि पुण्य की महिमा है, जहां जैसा नियोग योग होता है वैसा होता है। इस प्रश्न का जवाब अवक्तव्य है। जिज्ञासा करें महाराज जी, अवक्तव्य को हम लोग इतनी भक्ति और पुरुषार्थ करेंगे कि एक दिन वो वक्तव्य होगा, उस सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास इस सपना है। अब हर व्यक्ति का एक सपना होता है, अब टीकमगढ़ समाज ने भी एक सपना देखा है कि टीकमगढ़ में पूज्य सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास होगा, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा। अब देखते हैं वो सपना कब पूरा होता है। जिज्ञासा रखें स्मिता जी जैन, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री स्वप्निल जैन टीकमगढ़। मुनि श्रेष्ठ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक्ष्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि यदि सिद्ध परमेष्टी अशरीरी अरूपी अविकारी हैं, तो वे सिद्ध शिला पर पद्मासन या खड़गासन अवस्था में किस प्रकार स्थित हैं, और उन्हें किस प्रकार छह द्रव्यों की सभी पर्याय एक साथ झलकती हैं उनके ज्ञान में, और उनका हम कैसे ध्यान करें। भगवान जो सिद्धालय में विराजमान होते हैं, अंत में जिस अवस्था में रहते हैं, यदि खड़गासन से उनको मोक्ष हुआ है तो उनकी आत्मा के प्रदेश उसी खड़गासन मुद्रा में रहेंगे। पद्मासन में यदि हुआ है तो पद्मासन में रहेंगे। उन दो ही आसने यदि सिद्ध, खड़गासन या पद्मासन, यदि पद्मासन में मोक्ष हुआ है तो आत्मा का आकार उसी पद्मासन के आकार होता है, ऐसा उल्लेख है। समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को वो जानते नहीं हैं, उनके ज्ञान में झलकती है, देखने में आती है, और उनका ध्यान करने के लिए हमें एक ही ध्यान रखना चाहिए, शरीर से रहित होकर के, और जो आत्मा का उनका आकार है उस आकार को द्रव्य के रूप में, व्यंजन पर्याय के रूप में ध्यान करना चाहिए। दूसरा, उनके गुणों के रूप में जो आठ गुण हैं, उन आठ गुणों का चिंतन करना कि वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अव्यावाद सुख आदि, ये जो आठ गुण उनके कहे हैं, उन आठ गुणों को आत्मक ध्यान करना चाहिए। तीसरा ध्यान करना चाहिए उनका उपासना के रूप में। उपासना के रूप में यानी मैं उन गुणों को कैसे प्रकट करूं, वो किस किस रास्तों से चले, सिद्धों को ध्यान वहां तक पहुंचे तो वो कौन कौन से आचार और विचार किए, कौन से रास्ते से चलकर वो सिद्धालय सिद्ध में आए, उस रास्ते की पहचान करना, और पहचान करने के बाद निर्णय करना कि हे प्रभु मैं कैसे वो दिशा पाऊं। और फिर तीसरा ध्यान, शुभचंद महाराज ने लिखा है कि सिद्धों का जो स्वरूप आगम से पढ़ करके अपने आप को ध्यान में बैठकर सब परिग्रह छोड़ दो, सब छूट गया, छोड़ना नहीं है ध्यान में, सब छूट गया, मैं बिल्कुल दिगंबर मुद्रा में बैठा हूँ, शरीर भी जल गया, कर्म भी जल गए, और बिना शरीर के बिना कर्मों के आत्मा जो आकार है वह वो सिद्ध स्वरूप है, जिसे रूपातीत ध्यान कहते हैं। तो सिद्धों के तीन रूप में ध्यान करना, एक तो चिंतन के रूप में, एक उपासना के रूप में, और एक तद्रूप होकर के ध्यान करना, ये ध्यान के तीन रूप माने जाते। जिज्ञासा करें स्वप्न जैन टीकमगढ़, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सुभाजी मोंगना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन है कि जैसे हम पार्श्वधाम आते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान के प्रति आस्था ज्यादा हो जाती है, आदि धाम जाते हैं तो आदिनाथ भगवान के प्रति आस्था ज्यादा हो जाती है, बाजार मंदिर जाते हैं तो चंद्रप्रभु भगवान जी के प्रति आस्था ज्यादा हो जाती है, तो भगवान इसमें मन बार बार भगवान के प्रति आस्था बदलती है तो कोई अपन को गड़बड़ नहीं करना, अपन को मुंह देखे की प्रीत करना, क्योंकि सब भगवान बराबर है, जिनके सामने कहा भगवान आपके अलावा कोई दुनिया में दूसरा है ही नहीं। हाँ, ये पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने सभी भगवानों की प्रशंसा करते हुए, जब जिस भगवान पर पहुंचते हैं, भगवान उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं आप जैसा,
हम मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपके शरीर के समान आदिनाथ भगवान दूसरे का शरीर है ही नहीं, तो अजितनाथ का भी तो था। तो इनमें ये किया जाता है, जिस समय हमारे सामने जो पूजा होती है, हम दस लाक्षण पूजा पढ़ेंगे तो दस लाक्षण ही सर्वश्रेष्ठ है, जब पंचमेरु पढ़ेंगे तो उसकी वजह। तो जिस समय जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन में अलग अलग आइटम होते हैं कि नहीं, जिस समय जो खाते हो उसी में हो जाते हो कि दूसरा याद करते हो जो खाते हैं। तो जिस समय भोजन में हम आप जो खाते हैं उसी रूप में स्वाद आता है, इसी प्रकार जिस भगवान के सामने हम खड़े हों उन्हीं भगवान का स्वाद आना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा करें सुभाजी जैन बोंगना, इसके बाद तैयार रहे नितिन जैन कड़ैया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। हे गुरुदेव, आपने बताया था कि भक्तांबर जी के पाठ को 48 दीपक जला के घर में नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या अपन मंत्र पढ़ के घर में भक्तांबर पढ़ सकते हैं या कल्याण मंदिर स्तुत पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते, पाठ करो, मंत्र आदि नहीं, भक्तांबर का पाठ करो, कल्याण मंदिर स्तुत का पाठ करो, मंत्र नहीं। मंत्र के लिए मंदिर ही स्थान शुद्ध होता है, ऐसा करो। लेकिन एक दीपक तो जला सकते हैं, हैं? एक दीपक ऐसे शगुन के रूप। जिज्ञासा का है नितिन जी जैन कड़ैया, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मंजू जी नायक। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामि महाराज श्री। महाराज श्री, जब से आपके श्री चरणों के सानिध्य में आया हूँ तब से दिन ना रात सोते जागते आपका ही छाया चित्र हर जगह दिखाई दे रहा है। महाराज श्री, जो आनंद की अनुभूति का चरमोत्कर्ष है महाराज श्री, वो इस समय प्राप्त हो रहा है। ऐसा क्या करूं महाराज श्री कि हर जन्म हर काया में आपके श्री चरणों की धूली मिलती रहे और आपका आनंद भक्त बना रहूं। महाराज श्री, जिज्ञासा का समाधान करें महाराज श्री। ये पूरे टीकमगढ़ की जिज्ञासा है, हर कोई अब आपका भक्त बनना चाहता है। सबसे पहला तो ये हो गया मेरे आने से कि ये कम बोलना सीख गया। शुरू शुरू में आए थे तो बहुत पटर पटर करता था, अब थोड़ा कम कर दिया, दो तीन बार थोड़ी सी। देखो, साधु की निकटता के लिए बस निश्चलता चाहिए, समर्पण चाहिए। छल कपट लेकर साधु के पास मत आओ, मन में कुछ भाव रखकर साधु के पास मत आओ। मन में कुछ है, कुछ कुछ है तो ऐसे भाव रख के मत आओ, साधु के पास आओ निश्चल मन के। एक बार कुछ कंजाइस्ट महिलाएं थी, समझ गए, कंजाइस्ट। तो वो क्या कह रहे, वो आए लोक लाज के कारण जिनवाणी लेकर के और वो नमोस्तु कर रहे थे। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि हम महाराज को नहीं कर रहे, हम तो जिनवाणी कर रहे। तो हमने कहा, बुंदेलखंडी की थी, हमने कहा अरे भाई कम से कम झुकाने के पहले जिनवाणी को तो मत झुकाओ, उसको सिरासन पर रखो, चाहे भली मुझे नमोस्तु मत करो लेकिन जिनवाणी को मत झुकाओ। और इस समय नमोस्तु करते हुए तुम्हें त्रियंचायु का बंध होगा। साधु से कभी कपट भाव नहीं, छल भाव नहीं, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन। हाँ, तो बस ये जो समर्पण भाव है निश्चल भाव से, चिंता मत करो, साधु की संगति यदि निश्चल भाव से करोगे तो इस जन्म में क्या जन्मांतर तक भी पा जाओगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी, आपके आने से नितिन भाई जैसे जैसे आपने बताया, कई सारे युवाओं ने बहुत सारी चीजें त्याग का नियम लिया, बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन आया है। सब युवाओं के लिए एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि प्रभावना तो यही है कि साधु के आने से समाज में सुधार हो। जिज्ञासा करें मंजू जी नायक, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री आशीष जी जैन मिठिया। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। छल्लक जी को इच्छा में, इच्छा में, इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि यदि किसी बात को अपन मन से और काय से नहीं करते लेकिन वचन से मजाक में भी अगर बार बार बोलते हैं तो क्या उसका कोई दोष लगता है या बंध बनता है? तो मजाक में करते हो तो मजाक जैसा कर्म बंध होगा, वो कर्म भी मजाक ही में आएगा।
जैसे अपन ने कोई मजाक में किया तो अपन से भी कोई मजाक ही करेगा, तो वो करने में कुछ ना कुछ दोष तो लगता ही है, क्योंकि उपयोग यदि उसमें जाता है तो कम दोष लगता है, लेकिन दोष तो लगता है। जिज्ञासा करें आशीष जी जैन बैठिया, इसके बाद तैयार रहे अनिहा जैन वर्धमान। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि अपन पंचकल्याणक और विधानों के बाद जो पुण्यवाचन करते हैं उसका क्या महत्व है और वह क्यों करना चाहिए? पुण्यवाचन का अर्थ होता है एक प्रकार का आशीर्वाद। आप लोगों ने देखा होगा पुरानी पूजा की पुस्तकों में जयमाल पढ़ने के बाद एक कोष्टक में लिखा रहता है इत्याशीर्वाद, लिखा देना। तो इति आशीर्वाद का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा शब्द था, आजकल बोलना बंद हो गया, छपना भी। इत्याशीर्वाद का अर्थ है था कि हे भगवान, जो गुणानुवाद मैंने आपका किया है, आप ऐसे थे, आप ऐसे थे, ऐसे थे, ये गुण मेरे को प्राप्त हों, ये आशीर्वाद का अर्थ है। आशीर्वाद का अर्थ तथास्तु, वैसा ही हो। तो जो तो वो इत्याशीर्वाद बहुत बड़ी चीज थी वो, कि जो जो गुण आप में हैं वो गुण मेरे में प्रकट हों, ये आशीर्वाद का शब्द का आशीर्वाद का अर्थ यही नहीं है, वैसा ही हो, ये होता था। तो पुण्यवाचन के अंदर जो मैंने पूजा पाठ की है, जो कुछ किया है, उसका फल मुझे प्राप्त हो, उसमें सब बातें हैं, सद जाति सद व्यवहार सद अधिकारी सब सब आए हैं उसमें। तो वो तद्रूप भावों को प्राप्ति के लिए एक प्रकार का वाचन किया जाता है, करना चाहिए। जिज्ञासा करें अनिहा जैन वर्धमान, इसके बाद तैयार रहे शिवम जैन विद्या सुधा सेवा संघ से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मेरी जिज्ञासा यह है कि मनुष्य रोता ही पैदा होता है, शिकायतें करते हुए जीता है और निराश ही मर जाता है, अहम और वहम ये क्या है? महाराज जी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। ठीक, समझ गया। रोते हुए पैदा होता है, तो रोते हुए पैदा होने का अर्थ यह है कि वह वेदना से भर जाता है, तकलीफों से भर जाता है, और रोना तो उसके लिए अच्छा माना जाता है। जो बच्चा नहीं रोता है उसके लिए रुलाया जाता है। तो रोने से क्या होता है, समस्त प्रकार के हारमोन्स नशे वगैरह सब खुल जाती है, तो वो रोना। दूसरा, निराशा से मरता है, ये उसकी भूल है, वो अपने आप में कमाई से संतुष्ट नहीं होता, इससे वो निराशा होता है। निराशा हमेशा इसलिए रखती है कि हम महत्वाकांक्षा रखते हैं, हम उन चीज़ों पर इच्छाएं रखते हैं जो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, तो निराशा की तरह है। और जिंदगी भर शिकायतें करते करते मर जाता है, क्योंकि वो दूसरों की तरफ देखता है, स्वयं को नहीं देखता है। उसे दूसरों के दोस्त तो दिखते हैं, स्वयं के दोस्त नहीं दिखते, इसलिए उसको शिकायत हो जाती है। दूसरों के दोस्त देखते समय ये सोच ले भाई कि शायद ये गलती ये दोष मेरे में भी हो सकता है, आज नहीं था अतीत में भी हो सकता है, भविष्य में भी हो सकता है। तो इस प्रकार की तत्व चिंतन करे तो ये दो चीज़ें तो छूट जाएंगी, शिकायत और निराशा। अब जन्मते रोता है ये तो छूटना नहीं चाहिए, और मैं छोड़ूंगा नहीं, कहूँगा नहीं, नहीं तो तुम्हारे लिए दुखदायी हो जाएगा। जिज्ञासा करें शिवम जैन, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे इसी का जी बजाज। जगतपुर के चरणों में त्यौहार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, आपके द्वारा जिन जिन ग्राम शहरों में शांति धारा आदि सही विधि से कराई गई है, वहाँ की समाज और श्रावकों में प्रगति देखी गई है, कहीं कहीं पाया जाता है कि बोरिंग आदि के जल से अभिषेक होता है, तो वहाँ पर कैसी वर्गणाएं पड़ती होंगी? क्या वो गंधोदक हमें मस्तक पे धारण करने योग्य है? इस संबंध में मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी समस्या है, नहीं कहूँ तो पानी ही नहीं है, क्या करें? हाँ कहूँ तो तुम्हारे दोष में मैं शामिल क्यों हूँ? इसलिए मजबूरी का नाम बस, जो है सो है, महावीर की जय। जिज्ञासा करें इसी का जैन बजाज, इसके बाद तैयार रहे संजय जी जैन टीकमगढ़।
परम उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशा नमोस्तु छोलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब घर का मुखिया तन मन धन की तीव्र असाता से ग्रसित हो और उसके तीव्र दान देने के भाव हो तो उसे कितने अंश में दान देना चाहिए? घर में तन मन धन से दुखी हो घर का मुखिया तो उसे कितने परसेंट का दान देना चाहिए? सबसे पहले तो दुखों को ही छोड़ देना चाहिए। तन मन और धन से दुखी है तो अब क्या दान देगा वो? धन से भी दुखी है, तन से भी दुखी है, और यदि उसके कारण से दुख है, धन के कारण से दुख है, तो फिर निकाल देना चाहिए, धन बाहर कर देना चाहिए, दान दे देना चाहिए। जिस धन से राग द्वेष झगड़े हों वो धन के लिए छोड़ देना चाहिए, और क्या? और नहीं है तो फिर क्या देगा? है तो उसे देना चाहिए। जिज्ञासा करें संजय जी, जी इसके बाद तैयार रहे। कितने परसेंट देना चाहिए? परसेंटेज तो श्रद्धा आस्था और आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। जिज्ञासा रखें, इसके बाद तैयार रहे कृति जैन। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में कोटि कोटि इच्छामी। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज, अगर हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ के व्यक्ति यदि गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार रखें, क्या करें क्या ना करें? अब गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं तो अपन को सावधान रहो कि कहीं ऐसा नहीं कि हम भी गिरगिट के समान रंग बदल रहे हैं। गिरगिट रंग बदलती है अपने बचाव के लिए, ऐसी गिरगिटों को पहचानना चाहिए, और क्या? यही तरीका है कि ऐसी गिरगिटों को आप रोक तो नहीं सकते, ऐसी गिरगिटों को पहचान करके इनसे दूर रहना चाहिए। इनसे दूरी बना के रखना ही एक उपाय है, बाकी उनको सुधारना तो कठिन है। कीर्ति जी जैन उपस्थित नहीं हुए, इसके बाद तैयार रहे उद्भव जैन। और आज आदिनाथ जयंती के है क्या? ठीक, आदिनाथ जयंती के शुभ उपलक्ष्य में आज कई लोगों ने एक कलश राशि देकर के पार्श्वनाथ धाम पंचायती मंदिर की सदस्यता लेकर के ट्रस्टी बने हैं। नाम बोलेंगे, उपस्थित हो तो आकर के गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। धीरेन जी जैन चाय वाले, आशीष जैन, कैलाश चंद जैन, अभय कुमार जी सुनवाहा, नरेंद्र कुमार जी, सिद्धांत जैन कंचन लॉज, मुक्ति अक्षय सिंह जी, संतोष कुमार जी कुआ वाले, संजय कुमार जी, सुकमाल जी बैद्य, नित्या नीलेश जैन, सुनील जी जैन अब्बू, उद्भव करुणेंद्र जैन और सिद्धांत सिंह करुणेंद्र जैन आ जाए। 350 से ऊपर हो गए जी, 350 से ऊपर हो गए, अब 500 बहुत जल्दी होने वाले महाराज जी आपके आशीर्वाद। मतलब पार्श्वनाथ धाम सही में हो गया है, 350 ट्रस्टी बनना बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ी चीज। और जो ना बन पाए हो तो आज बहुत अच्छा दिन है, आज ही आप कार्यालय में नाम लिखा दे, कल उनके नामों की घोषणा जिज्ञासा समाधान में हो जाएगी। आज के पावन दिवस में भी आप एक कलश में यहाँ के ट्रस्टी बन सकते हैं। बन जाओ, नहीं तो बाद में, अभी तो हमारा राष्ट्रपति शासन लग रहा है, बाद में कमेटी ने बना कर दिया तो ध्यान रखना, अभी तो ये राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे। बहुत अच्छा, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी सौंप के जा रहे हो, मतलब तुम ही नहीं बन रहे हो, आगे आने वाली पीढ़ी का भी रास्ता खोल रहे हो, बहुत अच्छा। हाँ, जिज्ञासा करो बेटा। कृति जैन, परिक्रमा क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि मंदिर की परिक्रमा छोटी होती है, वहाँ सांप बिच्छू होगा तो काट खाएगा, नहीं करना है। दो कारण है, पहले अंधेरा रहता था, परिक्रमा छोटी रहती थी, जानवर बैठे रहते थे, कबूतर पक्षी आदि बैठते हैं। दूसरी बात है कि रात्रिकालीन में और भी जाकर के कोई भी अनुष्ठान आदि नहीं, और यदि खुली हो, उजेला हो तो लगाने में कोई बाधा नहीं, लोग लगाते भी हैं, रात में लोग परिक्रमा लगाते हैं, ऐसा निषेध वाक्य नहीं है। पहली बात तो हमारे शास्त्रों में रात्रि में मंदिर विधि कुछ लिखी ही नहीं है कि रात्रि में कोई अनुष्ठान करना चाहिए, फिर भी करते हैं, उजेला हो, अच्छा स्थान हो तो लगाने में कोई ऐसी बाधा नहीं।
जिज्ञासा करेंगे उद्भव जैन, अंतिम जिज्ञासा रखेंगे राकेश कुमार जैन। हे महाराज जी नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि त्रष्टि क्या होते हैं और उनकी ड्यूटी क्या होती है? पहले बता तू त्रष्टि बन गया है कि नहीं? हाँ बन गया। हाँ तो बहुत अच्छा। त्रष्टि का अर्थ होता है सुरक्षा कवच, भगवान के मंदिर की रक्षा करने का संकल्प कि मैं इस मंदिर के लिए रक्षा करूंगा, इस मंदिर की सुरक्षा करूंगा, इस मंदिर की व्यवस्था करूंगा, इस मंदिर के लिए जब भी जिस समय जो जरूरत पड़ेगी मैं सदा संकल्पबद्ध हूं। तो एक बहुत बड़ा। और उसके बाद जब भी मंदिर के लिए ड्यूटी यही है कि जब भी मंदिर के लिए किसी भी रूप में जरूरत पड़े सदा उसकी सुरक्षा व्यवस्था में तत्पर रहना, यही सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। और इसका प्रतिफल होता है जो मंदिर का रक्षक बनता है मंदिर उसकी रक्षा करता है। मुनि श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका है कि पुराने लोग कह गए हैं कि तीन चीजें पर्दे में सोवा देती हैं, धन स्त्री भोजन। धन स्त्री भोजन पर्दे में सोवा देती हैं पुराने बुजुर्ग लोग कह गए अपने। और जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसी पियो पानी वैसी हो बाणी। मेरा सब कहने का मतलब महाराज जी आज जैन समाज कहाँ जा रहा है, जिस तरफ आप देख लें थोड़ी दृष्टि डालें उस चीज पर कि आज जैन समाज की लड़कियां अदर कास्ट में जा रही हैं हर शहर में। मेरा मुझे दुख होता है महाराज जी, अगर कोई जैन समाज की लड़की जैन समाज के लड़के से शादी करती है तो मुझे खुशी होती है इस चीज की। मुझे पूरी मुझे समाज के ऊपर तरफ प्रेफरेंस है। आज जैन समाज हर चीज से शक्तिशाली है, पैसे से और शक्ति से, फिर भी महाराज जी आज जैन समाज पीछे हट जाती है। किसी एक बच्ची की अदर कास्ट से भागती है तो क्या जैन समाज की लड़की उसको उठा के घर से नहीं ला सकते क्या? हमें ये कहने मतलब है। तो आज ये जैसी उन्होंने कही साहब लड़की बाहर जा रही है पढ़ने, 100 लड़की गई टीमों से बाहर पढ़ने, महाराज जी 80 वापस आती, 20 वापस आती हैं, 80 वहीं लव मैरिज कर लेती हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है महाराज जी, तो इसके बारे में क्या? मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अभी दो दिन पहले ही मैंने लव मैरिज के संबंध में कहा था। और मैं तो ये कहता हूँ बच्चों की गलतियाँ नहीं हैं, माँ बाप की गलतियाँ। माँ बाप उस समय छेदते हैं जब बच्चे बिगड़ जाते हैं। और पहले समान है यदि ओम शांति, सबसे पहले हमारे यहाँ बच्चों के लिए छोटी अवस्था में यदि हम 5 साल पाठशाला में पढ़ा दें तो पाठशाला के संस्कार आ जाएंगे। शुरुआत में ही बचपन में हम ऐसे कॉलेजों में स्कूलों में ना भेजें जहाँ कोई एजुकेशन हो। कोई एजुकेशन जहाँ है बच्चे बच्चियों का 8वीं कक्षा के बाद जिस स्कूल में बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं वहाँ भेजना स्पष्ट रूप से अपने बेटा बिटिया को हाथ से खोना है। ऋषभ देव ने अपनी बिटियों को भाइयों के साथ नहीं पढ़ने दिया, भाइयों के साथ। भरत बाहुबली आदि की भाई की क्लास अलग होती थी, मनमोहन सुंदर की अलग होती थी, भाइयों के साथ नहीं पढ़ने दिया। दुनिया को यह संदेशा दिया कि हम भाइयों के साथ भी पढ़ने के लिए मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो अदर बच्चों के साथ पढ़ने की मंजूरी का सवाल ही नहीं उठता। तो ये तो आप लोगों के हायर एजुकेशन की तरफ जो आप लोग भेज रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ आप जो ले जा रहे हैं, बस वही मूल कारण है, बाकी और कोई कारण नहीं। हायर एजुकेशन से ही लोग बिगड़ रहे हैं, बच्चियां बिगड़ रही हैं। अब उनके लिए अब आज का फैशन बन गया है, स्टैंडर्ड मेंटेन बन गया है। तो माता पिताओं को चेतना पड़ेगा, उनको जागना पड़ेगा, तो बहुत कम बच सकते हैं, अन्यथा तो खतरा तो है। एक कलश में और भी नाम प्राप्त हुए हैं, देवस जैन, स्वर्गीय प्रीत जैन, ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी जी, श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, श्री अभिषेक कुमार जी जैन, श्री अर्पित कुमार जी जैन मेनवार। ये लोग भी आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर सुभाषीष प्राप्त करें। अब आज उस पुण्यात्मा का चयन होगा जो जगतपूर्ण निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती
48 दीपकों के साथ करेगा। आज की आरती 48 दीपकों के साथ होगी। उस सौभाग्यशाली सृष्टि पात्र का चयन किया जाएगा। ऐसा कौन आज पुण्य कमाएगा, कौन सा पुण्यशाली होगा जो जगत पूज की आरती 48 दीपकों के साथ करेगा। 11,111 रुपए। शीघ्रता से भाव बनाना, आज का बहुत विशेष दिन है। 48 दीपकों से आप आकर के यहाँ पर जगत पूज की आरती आदिनाथ जयंती पर करेंगे। मन बनाइएगा, बोली आगे बढ़ाइएगा और सौभाग्य आपको प्राप्त। 21,221 रुपए। 48 दीपकों से जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगोसी सुधा सागर जी महाराज की सायंकाल की पावन बेला पर आदिनाथ भगवान के जन्म दिवस पर कौन खुशियां मनाएगा और पूज गुरुदेव की आरती करेगा। 21,221 रुपए। हाँ, हाथ खड़ा करके आप इशारा कर दें। 25,525 रुपए। 25,525 रुपए। शीघ्रता से भाव बनाना है। 25,525 रुपए। 31,331 रुपए। 31,331 रुपए। 48 तक तो लाओ जल्दी, आज 48 दीपकों से आरती होनी है। 31,331 रुपए जगत पूज की महाआरती 48 दीपकों के साथ। हाथ खड़े करके आप अपने स्वीकृति यहां तक भेज सकते हैं। 31,331 रुपए। एक शीघ्रता से भाव बनाइएगा, बोली छोड़ रहे हैं। और किसी के भाव हो इसके आगे सौभाग्य आपके परिवार को मिल सकता है। आज जैसा दिवस बार बार नहीं आएगा। आदिनाथ जयंती हो, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ हो और आपका परिवार आरती करे और आरती के बाद छुल्लक जी के प्रवचन आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र पर होंगे। उसके पश्चात पालना झुलाने का कार्यक्रम आज रखा गया है, तो यहाँ पे पालना चलेगा, सब लोगों को झुलाने का अवसर भी मिलेगा। ये सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आज रखे गए हैं। चलेगा 31,331 रुपए। 35,535 रुपए। ताली तो बजा दो भैया, थक गए हैं क्या? आज तो जोश आना चाहिए सब टीकमगढ़ वालों में, ऐसा काम किया है। 35,535 रुपए। 35,535 रुपए। एक शीघ्रता से भाव बनाइएगा। 41 की जगह 48 करो, 48 दीपकों से होनी है। 48,448 रुपए। 48,448 रुपए। शीघ्रता से भाव बनाइएगा। 48,063 सलाह का पुरुष भी होते, चिंता मत करो, 48 दीपक है तो आप तो बढ़ा सकते हो बोली। 48,448 रुपए। हाँ, शीघ्रता से भाव बना सकते इसके आगे, नहीं तो बोली जा रही है। 48,000 जगत पूज की महाआरती आदिनाथ भगवान के जन्म दिवस पर 48 दीपकों के साथ कौन होगा आज का पुण्यात्मा टीकमगढ़ का सौभाग्यशाली पात्र जो सौभाग्य प्राप्त करेगा। 48,448। एक 48,448। दो 48,441। ढाई 93,99 बोली छोड़ रहे हैं। अंतिम बार भैया, बढ़ानी तो नहीं, चलो छोड़ते छोड़ दे। 48,000। हाँ, जिनवाणी चैनल पर आरती चलेगी, इसलिए शीघ्रता से मन बना ले। जिसकी भावना हो 48,448। एक दो ढाई 93,99 48,448 रुपए। तीन नाम बताइए। अच्छा, आज के जो आहार दान के पुण्यार्जक परिवार थे, अनिल कुमार जी, अरुण कुमार जी जैन, अंशुल जैन, मोना परिवार, जोरदार तालियां बजा करके पटवारी परिवार का आमंत्रित करें। 48 दीपकों से पूज गुरुदेव की आरती करें। जय जनेंद्र कारकारिणी के सदस्य भी साथ में आ जाए, मोना भैया के आ जाए, आ जाइए पटवारी परिवार, हाथों में दीपक ले ले। और आज पूरे टीकमगढ़ को अपने स्थान पर जनवाणी चैनल पर लाइव चलने वाली है आरती। बड़े भक्ति भाव से झूम करके पूज गुरुदेव की आरती करना है और ऐतिहासिक जो आज अपन ने कार्य किया है उसका उत्साह खुशियां मनानी है। आइए पटवारी परिवार, भैया बजाएं आरती। 1,00,000 में राजीव जी बुखारिया जी का नाम आया है, आ जाएं गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर सुभाष को। आ जाइए राजीव। जी।
नमोस्तु गुरुवार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लुइस, उपाध्यक्ष श्री डी के जैन दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन दाऊ मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन मालपीथा, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन बड़माड़ई, उपमंत्री श्री स्वरूप जैन बाजना, उपमंत्री श्री प्रकाश चंद जैन पिक्कन, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन पठा, पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेन्द्र जैन ककड़ारी, महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन इलेक्ट्रिकल्स, मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक बाबा नायक, कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन वर्धमान।